बिहार रोहतास के दरेगांव थाना अंतर्गत सिगुही गांव में बुधवार की देर शाम पैर फिसलकर गिरने से मुन्ना सा नामक एक किसान की मौत हो गई। मौत के बाद मुन्ना सा का शव गुरुवार को जगजीवन कैनाल से बरामद किया गया है। शव बरामद होने के बाद पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। परिजनों ने इस घटना के लिए सिंचाई विभाग व जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों के अनुसार अगर जगजीवन कैनाल पर बने पुल पर रेलिंग होती तो यह घटना सामने नहीं आती। घटना के बाद से सिगुही गांव में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बारे में बताया जाता है कि किसान मुन्ना सा अपने खेत में लगी फसलों को देखने गए थे। इसी दौरान आई तेज आंधी और बारिश से बचने के लिए वह गांव की ओर भागने लगे। भागने के क्रम में जगजीवन कैनाल पर बनाए गए पुल पर पैर फिसलने के कारण वह कैनाल में जा गिरे। कैनाल में गिरने से उनकी मौत हो गई। उधर जब देर शाम तक मुन्ना सा घर नहीं पहुंचे तो परिजनों के द्वारा उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई। साथ ही परिजनों ने इसकी जानकारी दरेगांव थाने को भी दी। खोजबीन के क्रम में उनका शव जगजीवन कैनाल से बरामद किया गया। चूंकि कैनाल पर बने पुल पर रेलिंग नहीं होने के कारण वह कैनाल में जा गिरे। इसी कारण परिजनों के द्वारा सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। परिजनों की माने तो कई बार विभाग को पत्र लिखकर पुल पर रेलिंग बनाने का आग्रह किया गया, लेकिन आज तक पुल पर रेलिंग नहीं बन सका है। अगर पुल पर रेलिंग का निर्माण नहीं कराया जाता तो कई अन्य घटनाएं सामने आ सकती है। अच्छी, कैसे हुआ है हादसा? सर, ऐसा बात है कि हादसा नहर पर वो घूमने के लिए शाम में गया था जी, और उसी समय पानी आंधी आया और वो भागने की सोचा जी, और उसी पर उसको पैर स्लिप कर गया। पुल था और पुले पुले पैर स्लिप कर गया, वो नहर में गिर कर डूब गया। कितने बजे घटना है? घटना 7:45 बजे के करीब है।